दोस्तों रोहित शर्मा ने घोषित करी पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11। इन 11 शेयरों के साथ उतरेगी भारतीय टीम, सूर्य कुमार यादव हुए शामिल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे से खेला जाएगा और पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। रोहित शर्मा ने टीम में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं और सूर्य कुमार यादव क्या सच में शामिल हुए हैं, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 4 अगस्त से होने वाला है। दोस्तों इस सीरीज के सभी मुकाबले इंग्लैंड में खेले जाने वाले हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 अगस्त को नॉटिंगम में खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। वहीं दोस्तों इस मैच का लाइव प्रसारण टेलीविजन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा मोबाइल पर इस मैच का लाइव प्रसारण सोनी लिव एप्लीकेशन के द्वारा देख सकते हो। वहीं दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली इस टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, जिनमें शुभमन गिल, आवेश खान, वाशिंगटन सुंदर जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों का नाम है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम में शुभमन गिल की जगह पृथ्वी शॉ को भेजने का निर्णय लिया है। वहीं इसके अलावा पृथ्वी शॉ के साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज के लिए भेजा जा रहा है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को पहले टेस्ट मुकाबले में खेलने का मौका देना चाहिए या फिर नहीं, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। वहीं दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले टेस्ट सीरीज के आंकड़े देखे जाए तो भारतीय टीम ने इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज में मात दी थी और दोस्तों इंग्लैंड की टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। जी हां दोस्तों इंग्लैंड के हार के बाद कप्तान जो रूट ने बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर आएगी तब इंग्लैंड की टीम भी उनके लिए बेहतरीन पिच तैयार करेगी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली यह टेस्ट सीरीज आसान नहीं होने वाली है। हालांकि भारतीय टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद होंगे, जिसमें बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे जैसे तूफानी खिलाड़ी मौजूद होंगे। इसके अलावा युवा बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत, तो सूर्य कुमार यादव और मयंक अग्रवाल भी टीम में मौजूद होंगे। वहीं टीम इंडिया के पास इस सीरीज में अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी मौजूद हैं। वहीं दोस्तों टीम इंडिया के पास तेज गेंदबाजी में कई सारे विकल्प मौजूद हैं, जिनमें मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव जैसे बेहतरीन खिलाड़ी टीम में है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। रोहित शर्मा के मुताबिक किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज के रूप में हिटमैन रोहित शर्मा मौजूद होंगे। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इसी साल के टेस्ट सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया था। भारत की तरफ से उस सीरीज में रोहित शर्मा ने सबसे अधिक रन बनाए थे और अपने बल्ले से तहलका मचाया था। अब दोस्तों एक बार फिर से रोहित शर्मा अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज के बाद से ही रोहित शर्मा के बल्ले से हमें शतक भी देखने को नहीं मिला है। वहीं दोस्तों नंबर 2 पर रोहित शर्मा के साथ ओपनर बल्लेबाज के रूप में मयंक अग्रवाल को मौका मिल सकता है। दोस्तों युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के चोटिल हो जाने के बाद मयंक अग्रवाल को प्लेइंग 11 में मौका मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। मयंक अग्रवाल ने भारत की तरफ से अब तक 14 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 2 दोहरे शतक और 3 शतक भी मौजूद हैं। ऐसे में अब रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल इस सीरीज में धमाल मचाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर टीम में सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे और T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है वह काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से सूर्य कुमार यादव को अब उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से एक तोहफे के रूप में इन्हें टेस्ट सीरीज में भी डेब्यू करने का मौका मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव तो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए हैं और पहले टेस्ट मुकाबले के प्लेइंग 11 में आप सभी को खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर विराट कोहली मौजूद होंगे, जो कि 2019 के साल में अपना आखिरी शतक लगा चुके हैं। इसके बाद से अब तक लंबे अरसे से विराट कोहली के बल्ले से हमें शतक देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में आप सभी को यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली नजर आ सकते हैं और विराट कोहली के बल्ले से हमें शतक भी देखने को मिल सकता है। साल 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में विराट कोहली ने भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाए थे। इसके बाद नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे मौजूद होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अजिंक्य रहाणे ने अपनी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को फाइनल तक का सफर तय कराने में अहम रोल अदा किया है, जहाँ अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के कठिन पिच पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक भी जड़ा था और टीम इंडिया को जीत भी दिलाई थी। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इन्होंने भारत की तरफ से सबसे अधिक
रन बनाए थे। इसके बाद नंबर 6 पर आप सभी को विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, हालांकि टीम इंडिया में ऋषभ पंत के रूप में एक विकल्प मौजूद है, लेकिन हाल ही में काउंटी प्लेइंग 11 के साथ यहां पर केएल राहुल ने बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया था और उनके खिलाफ बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार शतक भी ठोका था। ऐसे में पहले टेस्ट मुकाबले में इन्हें टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। दोस्तों आपके हिसाब से केएल राहुल और ऋषभ पंत में से किसे मौका मिलना चाहिए, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। वहीं दोस्तों नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मौजूद होंगे। पिछले कुछ समय से रविंद्र जडेजा भी टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखे हैं। ऐसे में अब इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज में रविंद्र जडेजा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। इसके बाद नंबर 8 पर ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन मौजूद होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पिछले टेस्ट सीरीज में रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 मैचों में 32 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी एक शानदार शतक भी लगाया था और इस सीरीज में टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया था, जिसके लिए इन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी दिया गया था। ऐसे में एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मौजूद होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पिछले टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शमी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज में मोहम्मद शमी तबाही मचाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मोहम्मद शमी ने काबिले तारीफ गेंदबाजी की थी और उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन करे। इसके बाद नंबर 10 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मौजूद होंगे, जिन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में बेहद ही खराब गेंदबाजी का नजारा दिखाया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके थे, जिसके बाद से इन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। इसके बाद नंबर 11 पर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा मौजूद होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए साल 2018 में टेस्ट सीरीज में ईशांत शर्मा शानदार फॉर्म में दिखे थे। तब ईशांत शर्मा ने भारत की तरफ से सबसे अधिक विकेट हासिल करने का कारनामा किया था। अब एक बार फिर से ईशांत शर्मा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। दोस्तों कुछ इस तरह से पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 हो सकती है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया पहला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।